गाइज, आजकल इंटरनेट का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाइज, अभी तक हमारे देश में 4G इंटरनेट ही अवेलेबल है, पर गाइज आने वाले कुछ महीनों में हमारे देश में भी 5G इंटरनेट आने वाला है। गाइज, सभी को बात रहती है कि अगर हम कोई भी चीज डाउनलोड करें तो वो जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो जाए, मतलब उसके लिए हमको तेज इंटरनेट की आवश्यकता तो होती है। पर गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे तेज स्पीड कितनी आंकी गई है, कि किसी देश ने ये सबसे तेज स्पीड कितनी आंकी गई है या कितनी बनाई है? तो गाइस, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे तेज स्पीड अभी तक 319 टेराबिट्स पर सेकेंड आंकी गई है, मतलब 3,19,000 GB पर सेकेंड आंकी गई है। मतलब अगर कोई आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो चंद सेकेंडों में, माइक्रो सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएगी इस स्पीड के साथ। और गाइस, इस स्पीड को आंकने वाला देश है जापान। गाइस, आपने सही सुना, जापान ने इस स्पीड को आंका है। और गाइस, जापान ने ही अपने एक संस्थान में इस स्पीड को बनाया। गाइस, इस संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी गाइज, आपने सही सुना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने यह कारनामा करके दिखाया। तो गाइज, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।